है। अब आ रहा है सेकेंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सेकेंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, ठीक है, बाय पार्ट्स बोल दो या प्रोडक्ट रूल बोल दो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोलता है ये, प्लीज ध्यान से देखना, छोड़ दो अभी प्लीज। यू इंटू वी डीएक्स इंटीग्रेशन, दो फंक्शन है, एक यू फंक्शन है एक वी फंक्शन है, यूएक्स एंड वी एक्स या एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ले लो, ऐसा ले लो, राइट। अब इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले अपने को इन दोनों में से एक को फर्स्ट फंक्शन नाम देना पड़ता है, एक को सेकेंड फंक्शन नाम, अज्यूम करना पड़ता है कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है। Yes, ये देना जरूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, कैसे लेना वो भी अभी रूल आएगा, एक रूल के अकॉर्डिंगली करना होता है। तो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका फाइनल इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो चीज आएगी ये मेरा फाइनल आंसर है। देखने में टेढ़ा लगता है नहीं, क्या ध्यान से देखो, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड के इंटीग्रेशन का, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जैसे देखो, एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, अब मेरे को पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करना है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज होगा हमारा इस रूल के अकॉर्डिंगली, ILATE, आईलेट, ठीक है, आईलेट रूल के अकॉर्डिंगली ये इसी ऑर्डर में आएगा। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो अपने पांच टाइप के जो फंक्शन होते हैं मैथ्स में जो हम यूज करते हैं वो सारे के सारे कवर अप हो गए। अब इसके अंदर जो ऊपर की तरफ है उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, जो नीचे की तरफ है उसको सेकंड फंक्शन लेना है। जैसे इसके अंदर एक एक्स है अलजेब्रिक, एक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आ गया मेरा अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, किसको फर्स्ट लोगे, अलजेब्रिक जो ऊपर है वो उसको फर्स्ट लेना है, तो इसको फर्स्ट लिया इसको सेकंड लिया, ये क्लियर है। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे एंड उसका फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू वन कॉस एक्स डीएक्स, तो क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, यानी कि ये वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स साइन एक्स। रूल कैसे लगाना समझ आया, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। ये नोट करो। चलो ये रूल लगा रहने दो, ये करो दोनों, अगर मैंने लॉग को वन लिया तो लॉग एक्स एज इट इज, अगर सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, बेटा तेरा भी गलत है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू डॉट डी एक्स, राइट, एक एक्स कटा
तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस, ये फिर से एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, और नीचे टू ऑलरेडी है तो फोर प्लस सी, तो ये आएगा भाई। क्या गलती कर दिया, अगला वाला यार एक्स बाय टू ऑलरेडी है, अब एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा, टू एक और टू आएगा, टू एंड टू मिलके फोर हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ये वाला देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू ई की पर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पर एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव टू एक्स ई की पर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो हुआ क्या, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन एक चक्कर हो गया, एक चीज अच्छी हुई, क्या एक्स स्क्वायर की डिग्री कम होकर एक्स हो गई। अब एक और डिग्री कम करने के लिए हमने क्या किया, फिर से दोबारा यूवी रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर ई की पर एक्स माइनस टू बाहर आ गया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की पर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव वन ई की पर एक्स का ई की पर एक्स डी एक्स, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पर एक्स माइनस टू एक्स ई की पर एक्स माइनस टू इंटू माइनस प्लस टू एंड ई की पर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पर एक्स प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, क्लियर हुआ? दो बार यूवी रूल लगाना पड़ा इसके अंदर, क्योंकि पहली बार लगाने के बाद सॉल्व नहीं हुआ, फिर से दिखा, लेकिन हुआ क्या, डिग्री टू से डिग्री वन होगी, फिर से करेंगे डिग्री वन की डिग्री जीरो हो जाएगी, तो अपने आप ई की पर एक्स का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है?